बकाया राशि को लेकर किराड़ी में दिल्ली सरकार के खिलाफ राशन दफ्तर पर दिया धरना। खाद्य आपूर्ति विभाग की सरकारी दुकानों में राशन वितरण करने वाले दुकानदारों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सर्कल 9 यानी किराड़ी राशन दफ्तर पर धरना दिया। दुकानदारों ने बताया कि मुझे पिछले 8 महीनों से कमीशन नहीं दिया गया है, जिससे परिवार की जीविका चलाना मुश्किल हो रहा है और कुछ दुकानें किराए पर हैं, जिससे मकान मालिक किराया न मिलने के कारण दुकानों को खाली कराने की बात कर रहे हैं। धरना सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक चला। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे इंद्र कुमार दास ने सरकार से मांग रखी कि कोरोना काल के दौरान कुछ दुकानदार की मृत्यु हो गई है, उनको सरकार मुआवजा दे। वहीं ओम प्रकाश स्वामी ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान जो भी दुकानदारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सरकार द्वारा मुहैया कराया राशन तय समय अनुसार से ज्यादा समय तक दुकानें खोलकर लोगों की सेवा की, यहां तक कि छुट्टी वाले दिन भी राशन वितरण किया गया, उसके बावजूद भी सरकार कमीशन देने से कतरा रही है। बार बार झांसा देकर समझा दिया जाता है। धरने में किराड़ी के सभी दुकानदारों ने हिस्सा लिया। वही तथ्यों पर लिखे हुए स्लोगन भी नजर आए, दिल्ली सरकार जवाब दो, सुनो केजरीवाल जी, राशन डीलर का है सवाल जी, बकाया कमीशन 8 महीनों का है हिसाब जी। इस तरीके के स्लोगन उनके तथ्यों पर लिखे हुए नजर आए। WNH के लिए नईम अहमद की रिपोर्ट। राशन होल्डर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 8 महीने से हमारा कमीशन नहीं आया। अब 8 महीने से आप ये बताइए कहाँ से हम अपना घर चलाएं, कहाँ से दुकानों का किराया दें, कहाँ से हम नौकरों को तनख्वाह दें, कहाँ से अपने बच्चों की फीस स्कूल की दें, कहाँ अपने बच्चे बीवी बच्चों को जो है हम खाना, बीमारी है हमारे साथ में भी कोई भी परेशानी या शादी आ सकती है, हमारे साथ परेशानी हो सकती है, तो हम कहाँ से लाए उस पैसे को। ये जी देखो, हमें 8 महीने से एक पैसा कमीशन नहीं मिला है। हमने डबल राशन बांटा है, डबल हमने गोदाम लिए हैं। अब हम देखो, महीने की बात हो 2 महीने की बात हो तो कोई बात नहीं, तो आदमी गुजारा कर लेता है इधर उधर से लेके, लेकिन 8 महीने हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। उन्होंने मशीन लगाया, मशीन पे हमारे को 2 रुपए का आश्वासन दिया, 2 रुपए कमीशन दिया, फिर बाद में इन्होंने 2 रुपए से 70 पैसे हमारे ऊपर कर दिया। जब मैनुअल हुआ तो मैनुअल होने के बाद उन्होंने 10 महीने तक हमारा कमीशन 1 रुपया 30 पैसे के हिसाब से रोक लिया। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में दिल्ली सरकार और प्रधानमंत्री दोनों का राशन आने लग गया, जिसमें NFS एक्ट के अनुसार हमारा 2017 में ये संशोधन हुआ कि जो कमीशन है हमारा वो एडवांस में मिलेगा। वो एडवांस में कमीशन मिलना की दूर की बात है, या हमारा 8 महीने का इन्होंने कमीशन ही रोक दिया।